हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डोरी किस प्रकार निकाली जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डोरी निकालने के लिए 21x22 इंच की एक पट्टी काट लेंगे, ठीक है, जो 1.5 इंच चौड़ी हो। ये जो पट्टी लें वो 21x22 इंच लें और जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हमारी उल्टी भाग है और ये है सही भाग, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी उल्टी भाग है उसको इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है, उल्टी भाग की ओर से मोड़ते हुए 2 सूत पे सिलाई चलानी है। 2 सूत पे और ये पूरे पे चलाते जाना है, 2 सूत पे सिलाई चलाते जाएंगे उल्टी भाग से। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा ले। इस पे डबल सिलाई लगा ले, ठीक है। डबल सिलाई लगाने के बाद मशीन सुई पे देखिए, ये मशीन सुई है, इस पे 4 लेयर की एक धागा पिरो ले, ठीक है। डबल करके धागे को 4 लेयर का बना ले और एक अच्छी सी गिट्टी लगा दे, ठीक है, मजबूत सी। और क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारी खुली हुई भाग है और ये है इधर बंद भाग, ठीक है। खुली हुई भाग की ओर से 1/2 इंच नीचे यहाँ से इस तरह से पार करते हुए सुई को यहाँ पे एक गिट्ठी लगा लेंगे, इस तरह से यहाँ पे एक गिट्ठी लगा लें ताकि ये धागा निकल ना जाए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा मशीन सुई है इसके पीछे के भाग से, ये जो देखिए हमारा आगे वाला भाग है, बंद भाग है, उस पर पार करते हुए जाना है, क्योंकि हमारा यहाँ तो सिलाई हम लगाए हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा बंद भाग है उधर सुई को पार करेंगे इस तरह से पार कर लेने के बाद, देखिए हमने पूरा पार कर लिया है। सुई को किसी जगह पे बांध ले इस तरह से और वहाँ पे एक गिट्टी लगा दे, ठीक है, एक गिट्टी लगा ले ताकि ये बाहर ना निकल जाए। और उसके बाद ये जो हमारा एंडिंग पॉइंट है जहाँ से हमने शुरू किया था, देखिए ये जगह, इसको क्या करें, देखिए ये जो बंद भाग का कपड़ा है उसको अपनी ओर धीरे धीरे खींचे, ठीक है। लेकिन ये इस लाइन को, ये जो डोरी है इसको सीधा करके करना पड़ता है, ठीक है। इस डोरी को सीधा कर ले और ये जो कपड़ा है इसको अपनी ओर खींचे, मतलब इधर इधर खींचना है, ठीक है, इस तरह से सीधा कर ले। डोरी बिना सीधा किए नहीं निकाली जा सकती है, इसको सीधा करना ही पड़ेगा। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाए और कपड़े को अपनी ओर खींचती जाए, इससे डोरी सरकने लगेगी।
इसमें थोड़ा वक्त लगता है, ये जल्दी पार नहीं होता है, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन ये हो जाएगा। आपको भी इसी तरह करना है। देखिए ये जो यहाँ पे है, इसको ये आगे वाले कपड़े को अपनी ओर खींचते जाना है और इस तरह से ऐसे ऐसे करें, इससे ये पतली सी रस्सी का शेप ले लेगी। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर का कपड़ा है बंद भाग का, उसको अपनी ओर खींचती जाएं और देखिए ये हमारा डोरी धीरे धीरे सरकने लगा है। इस तरह से खींचते जाना है। ठीक है, और जहाँ पे भी थोड़ा सा फंसे उसको पीछे की ओर से खींच ले, कपड़े को अपनी ओर खींच ले, इस तरह से पीछे की ओर से खींचे जहाँ भी फंसे। और इसके बाद फिर से इसको खींचना है इस तरह से। और इसको सीधा करके ऐसे खींचना है इस तरह से, पीछे से इस तरह से खींचते जाएंगे। देखिए डोरी हमारी सरकती जा रही है, इस तरह से खींचते हुए जाएंगे। इस तरह से पीछे से खींचना पड़ता है। देखिए हमारी डोरी बनने ही वाली है। इस तरह से अच्छे से खींचती जाए, थोड़ा थोड़ा फंसती है लेकिन ये अच्छे से फिर निकल जाती है। देखिए बहुत ही सुंदर डोरी निकल के आया है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो धागा हमने फंसाया था इसको सिंपली ऐसे थोड़ा सा काट लेंगे। देखिए हमारा डोरी बहुत ही अच्छा बन के बाहर आया है और इस पर इसके किसी भी एक साइड पे एक फूल लगा देंगे, जैसे कि जो हमने ये काट के रखा है ये चौकुट। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसकी एक फूल बना लेंगे। देखिए इस तरह का काट ले स्क्वायर डिज़ाइन में, ये ज़्यादा नहीं है, तीन इंच चार इंच चौड़ाई भी और लंबाई भी, ये चौकुट है चारों तरफ से, इस साइज़ में काट ले। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इस तरह से देखिए कपड़े का उल्टा भाग है, इसको इस तरह से मोड़ लेना है। ठीक है, और आपको किस साइड का बाहर में चाहिए, देखिए ये हमें बाहर में चाहिए तो इसी को अपनी ओर रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से बैठाते हुए ऐसे मोड़ लेंगे। ठीक है, और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगा लें और ये जो पुची है इसको इस तरह से मोड़ते हुए इस पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। फिर और ये निकला हुआ धागों को इस तरह से छांट लें। देखिए, और उसके बाद क्या करना है, इसको इसे पलट देना है। ठीक है, देखिए बहुत ही सुंदर डोरी बन के बाहर आई है। ठीक है, देखिए इसी तरह से दोनों डोरी को तैयार कर लेना है। इस तरह से दोनों डोरी को तैयार कर ले और देखिए ये बहुत ही अच्छा डोरी बन के आया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।